रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल के सदस्य न केवल नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ के नागरिकों की बड़ी भागीदारी के साथ पिछले 18 वर्षों से नवरात्रि उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहे हैं। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा दी गई। पत्र परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हर साल हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम, अशिक्षा, आत्मकेंद्रितता और बाल श्रम जैसे मुद्दों को दर्शाते हुए कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अशिक्षा, आत्मकेंद्रितता और बाल श्रम जैसे मुद्दों को दर्शाते हुए कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे मंडल का दौरा किया और पहले की सजावट और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की। इनमें मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती और विजय दर्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। 2006 में शुरू हुआ यह मंडल पिछले कुछ वर्षों में पूरे मध्य भारत में नवरात्रि के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एकमात्र आयोजक बन गया है, जो हर दिन 50,000 से अधिक आगंतुकों के आगमन की गारंटी देता है। संस्थापक आणि अध्यक्ष राणी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडळ लक्ष्मीनगर पूर्व, आम्ही राणी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडळ हे 18वं नवरात्र उत्सव साजरा करतो आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे देवीची फार उत्साहामध्ये साजरा करायचं यंदाही आमच्या आयोजनाची आम्ही संकल्पना केलेली आहे। ती एका नेहमीप्रमाणे एका वेगळ्या थीमवरती आम्ही याला करतोय। दरवेळेला एक सामाजिक मेसेज लोकांपर्यंत जावा याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो। यंदाही आम्ही आपल्या जीवनाच्या 7 चक्रांच्या आधारावरती याला हे जे पूर्ण देखावा देवीचा उभारलाय हा त्याच्याचवरती आम्ही उभारलेला आहे आणि देवी मातासुद्धा आमची कलकत्त्याहून बाय रोड आम्ही 10 फूटची जी मूर्ती आहे ही आम्ही कलकत्त्याहून बाय रोड इथे आलेली आहे आणि ती पूर्णपणे सज्ज आहे सध्या या उत्सवासाठी। ती पण म्हणजे तितक्यात उत्सवानी ती तयार झालेली आहे आणि उद्या सगळ्या नागपूरवासियांना तिचा नक्कीच तिला बघायला मिळेल। म्हणून सगळ्यांनी नक्की राणी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडळ लक्ष्मीनगर पूर्वमध्ये आवर्जून यावं। लगभग 50 युवाओं और बुजुर्गों की एक समर्पित टीम युवा उत्साह और अनुभव का एक आदर्श मिश्रण इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ओकॉक के साथ मिलकर काम करती है। विभिन्न अखबारों के लेख हमारे काम के बारे में बात करते हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम विदर्भ में एक समर्पित वेबसाइट www.lakshminagardurga.in वाला पहला मंडल है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे पेज है। नमस्कार, मी समृद्धी पुंतांबेकर, राणी लक्ष्मी दुर्गा उत्सव मंडळ फाउंडर मेंबर। मी सगळ्या भक्तगणांना निवेदन करते की ही जी सुंदर आम्ही थीम केलेली आहे ती तुम्हाला दरवर्षी बघायला नाही मिळणार आहे। तर आम्ही हे जे यावर्षी थीम केली आहे सापले योग साधनेनुसार तुम्ही तुमचे 7 चक्र जे 7 चक्र आहे ते कसे ॲक्टिवेट करून आपलं सायन्स आणि मानसिक शारीरिक मानसिक यांचा जुगाड तुम्ही कसा जमवावा हे आम्ही नवीन जनरेशनला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मंडळ साल भर में ऐसे कई सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित करता है, जैसे आदासा के पास मातोश्री वृद्धाश्रम का दौरा करना और उन्हें दवाओं और खाद्यान्न के साथ मदद करना, अनाथालयों का दौरा करना और किताबें और अध्ययन सामग्री प्रदान करके बच्चों की मदद करना और गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए लक्ष्मीनगर वॉलीबॉल मैदान में कृत्रिम तालाबों का निर्माण करना ताकि हर साल कीमती जल निकायों को प्रदूषण से बचाया जा सके। नमस्कार, मी आनंद कसगीकर, सचिव राणी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडळ। दरवर्षी आपण स्टॉल्स म्हणजे यासाठी कारण की आपल्याकडे कार्यक्रम पण असतात, कार्यक्रमामध्ये लोक येतात आणि कार्यक्रमांचा आस्वाद घेतात। आता कार्यक्रमांमध्ये असं असतं की आमच्याकडे जे 6 वाजेपासून कार्यक्रम सुरू होतात तर ते 10 वाजेपर्यंत असतात। आता 10 वाजेपर्यंत कार्यक्रम असताना त्या लोकांना तिथे वेगवेगळे स्टॉल्स वेगवेगळ्या लोकांना म्हणजे वेगवेगळ्या मेजवानी मिळायला हवी तो महत्त्वाचा भाग तर असतोच, पण असं असतं की आपण जो विचार केलेला आहे की आपण जसं कलकत्त्याच्या धर्तीवरती कलकत्त्यामध्ये काय आहे एक ही इंडस्ट्री आहे, इथे लाखो कामगार कारागीर काम करतात, त्यांना काम मिळतं। आपण हे जे करतो हे अलियागंज वेस्ट बंगाल से मैं थीम आर्टिस्ट हूँ। ये जो हम लोगों का थीम है हम लोग के शरीर में विद्यमान 7 चक्रों के ऊपर आधारित है। अभी प्रवीण समाज को इसके बारे में शायद ही जानकारी हो लेकिन हम लोगों ने बचपन में शक्तिमान जैसे सीरियलों में इसको देखा है, तो
वो हमारा जो हम लोगों का जो चक्रों का संतुलन है, अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो खो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो संतुलन हम लोगों का बिगड़ चुका है, जिस कारणवश अज्ञानता के वश हो और लोभ के वश हो हम लोग विभिन्न प्रकार से अपने समाज की क्षति कर रहे हैं। इस वर्ष हम मानव शरीर के साथ चक्रों की थीम का चित्रण करेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, सहस्रार चक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनमें से प्रत्येक चक्र को संतुलित करने से अद्वितीय लाभ मिलते हैं। मंडल के अध्यक्ष प्रसन्न मोहिले इस साल के महोत्सव की थीम के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस नेक और धर्मार्थ कार्य में भाग लें और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाकर इसे सफल बनाने में हमारी मदद करें। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पंडाल में आएं, हमें आशीर्वाद दें और पिछले सभी वर्षों की तरह सफल होने में हमारी मदद करें। ऐसी अपील आयोजकों द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।